तो दोस्तों मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह CS रैंक गेम जो है ना बहुत ज्यादा बार रैंडम प्लेयर के साथ खेलता हूँ। तो CS रैंक गेम जो है ना रैंडम प्लेयर के साथ खेलना हमको पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है, बहुत टाइम फ्रेंड सब ऑनलाइन नहीं रहता है तो हमको रैंडम प्लेयर के साथ खेलना पड़ता है। और मैं रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए भी बहुत आसानी से CS रैंक गेम बुए कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी आईडी आपको दिखा देता हूं। आप यहां देख सकते हैं मैं अभी ग्रैंड मास्टर रैंक के ऊपर हूं, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर टॉप 5000 प्लेयर के अंदर हूं, ठीक। और यहां तक आने के लिए मैंने बहुत सारे गेम खेले हैं, जिसमें से मैंने बहुत सारे गेम जो है रैंडम प्लेयर के साथ भी खेले हैं। ना ही सिर्फ रैंडम प्लेयर के साथ खेला है बल्कि बहुत सारे गेम बुइए किए हैं। तो रैंडम प्लेयर के साथ खेलना तो सब खेलते हैं, लेकिन बुइया करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं कि आप लोग कौन सा ट्रिक का यूज करके रैंडम प्लेयर के साथ खेले ताकि आप लोग आसानी से गेम को बुइए कर ले, CS रैंक गेम को बुइए कर पाए और अपना रैंक पुश कर पाए, ठीक ना, वो भी रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ट्रिक नंबर 1 को जानते हैं। तो ट्रिक नंबर 1, जो पहला ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, वो कैरेक्टर से रिगार्डिंग बताने वाला हूं। मतलब कि फ्री फायर में तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उनमें से कुछ एक दो गिने चुने कैरेक्टर हैं जिनका यूज अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए कीजिएगा तो आपको बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, मतलब आधा काम तो यहीं पर कैरेक्टर करने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन कैरेक्टर। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है जिसका कि आपको रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए यूज करना है, वो है जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर क्यों मैं बोल रहा हूं, देखिए जस्टिन बीबर कैरेक्टर यूज करने से देखिए क्या होता है ना कि अभी देखिए मैं सिर्फ जस्टिन बीबर यूज कर रहा हूँ इस स्क्वाड में, रैंडम प्लेयर के स्क्वाड में, लेकिन जस्टिन बीबर का एबिलिटी हमारे सारे बंदे को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है तो आपको पता होगा जस्टिन बीबर कैरेक्टर की एबिलिटी क्या है कि वो डिफेंसिव कैरेक्टर है, जो सामने से इनिमी मारता है तो शील्ड बन जाता है जस्टिन बीबर के सामने और इनिमी नहीं मार पाता है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन देखिए जस्टिन बीबर का एक और खासियत क्या है जानते हैं, एक तो डिफेंसिव पावर दिया, दूसरा जो मेन खासियत के कारण मैं बोल रहा हूँ रैंडम प्लेयर के साथ आपको यूज करना है कि जब आपके आसपास 12 मीटर के रेंज में, 12 मीटर बहुत ज्यादा होता है, और 12 मीटर के रेंज में अगर आपका कोई फ्रेंड होगा, ठीक ना, और फ्रेंड के पास ईपी रहेगा तो उसको भी जस्टिन बीबर का एबिलिटी मिल जाता है। और जस्टिन बीबर का एबिलिटी के बारे में तो आपको पता है कितना ज्यादा डिफेंसिव कैरेक्टर है, सामने वाला बंदा रोने लगता है, कहने लगता है कितना मार रहे हैं, मर नहीं रहा है। तो जस्टिन बीबर बहुत ज्यादा डिफेंसिव कैरेक्टर है, मतलब डिफेंसिव एबिलिटी देता है और एक बंदा के यूज करने के बाद चारों बंदा को मिल जाता है, तो मतलब बहुत ज्यादा ओवर पावर है। और रैंडम प्लेयर के साथ खेलते समय जो है ना जस्टिन बीबर अलग ही काम कर देता है, ठीक ना, इसलिए आप रैंडम प्लेयर के साथ पहला तो जस्टिन बीबर यूज कीजिए। और दूसरा जो कैरेक्टर मैं आपको बताने वाला हूं वो है ओथो कैरेक्टर। ओथो कैरेक्टर देखिए उसका एबिलिटी आप लोगों को बहुत बकवास लगता होगा, खराब लगता होगा, लेकिन रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए जो है ना मतलब ओथो कैरेक्टर जो है ना बहुत ज्यादा काम का है। काम का क्यों है कि ओथो कैरेक्टर क्या करता है, इनिमी का लोकेशन बता देता है। जैसे देखिए मैं यहां पर एक बंदा को डाउन करता हूं तो हमको पता चल जाता है इस जगह पे तीन बंदा है, एक को डाउन कर दिया, दो अभी भी बचा हुआ है, तो इस तरह से हमको पता चल रहा है। तो ओथो कैरेक्टर क्या करता है, या तो आप डाउन हुईए या फिर आप इनिमी को डाउन कीजिए, तो मतलब और जो आसपास में 20 मीटर के आसपास में जो बंदा है उसके ऊपर मार्क लग जाता है, चाहे आप डाउन हुई या इनिमी डाउन हुई है, ठीक ना, इससे क्या होता है ना बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है, आपको भी इनिमी का लोकेशन पता चल जाता है और आपके फ्रेंड को भी पता चल जाता है। मतलब एक बंदा को ओथो यूज करने से पूरा स्क्वाड को फायदा हो जाता है, इनिमी का लोकेशन सबको पता चल जाता है, ये तो मतलब पूरा स्क्वाड का बेनिफिट हो गया, पर्सनल आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि आपको पता है रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए 1v2 1v3 1v4 आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर ओथो बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे देखिए यहां पर 1v4 मैं करता हूं, ठीक ना, क्वाड्रा करता हूं दिखाया, तो यहां देखिए क्या होता है, जैसे एक बंदा को मारते हैं सारा बंदा के ऊपर मार्क लगता है, उसके बाद उसका मूवमेंट भी 25% कम हो जाता है, मूवमेंट कम है तो वो लोग भाग भाग के कवर में नहीं जा पा रहा है और मैं इजिली इनको मार देता हूं। मतलब ओथो कैरेक्टर स्क्वाड को तो बेनिफिट देगा ही देगा, पर्सनली आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, आपको 1v2 1v3 1v4 करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ओथो कैरेक्टर, क्योंकि ये इनिमी का लोकेशन बताता है, इनिमी का मूवमेंट स्पीड को कम करता है। तो मतलब ये दो कैरेक्टर मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं जो कि रैंडम प्लेयर के साथ खेलते समय आपको करना है, ठीक ना, यूज करना है। पहला हो गया जस्टिन बीबर और दूसरा हो गया ओथो कैरेक्टर। तो ट्रिक नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन सा कैरेक्टर रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए यूज करना है। मैंने पहले भी एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया है रैंडम प्लेयर के साथ खेलने के लिए, उसमें भी मैंने ये दोनों कैरेक्टर को सजेस्ट किया है और आज मैं फिर से जस्टिन बीबर और ओथो कैरेक्टर को मैं सजेस्ट कर रहा हूं रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड ट्रिक को जानते हैं कि सेकंड कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे हम लोग रैंडम प्लेयर के साथ बहुत इजीली मैच जीत पाए। इसके बाद जो मैं आपको सेकंड ट्रिक बताने वाला हूं रैंडम प्लेयर के साथ जीतने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रैंडम प्लेयर के साथ जब भी आप खेलिए तो आप जो है ना रैंडम
प्लेयर के पीछे रहिए, ठीक है ना। आप रैंडम प्लेयर को आगे जाने दीजिए, आप रैंडम प्लेयर के पीछे रहिए। थोड़ा लॉन्ग रेंज का गन रखिए, ठीक ना, शॉर्ट गन मत लीजिए, MP5 लीजिए, MP40 लीजिए, इससे रेंज थोड़ा ज्यादा रहता है, दूर में भी आप डैमेज दे सकते हैं। मतलब SMG या AR गन लीजिए और पीछे रहिए इनिमी को, मतलब अपने फ्रेंड रैंडम प्लेयर को आगे जाने दीजिए और आराम से आप पीछे से कवर दीजिए, पीछे से कवर दीजिए, तो इससे जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि ज्यादातर रैंडम प्लेयर क्या होते हैं ना, अंधा रस करते हैं, बहुत देखते ही सुनते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं और वो पीछे से मार खा जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर पीछे रहिएगा रैंडम प्लेयर का, तो आप देखिए आपका सबसे ज्यादा किल होगा, आपको फ्री में किल भी मिलेगा, ठीक, पीछे रहने से। और दूसरा क्या होगा कि जीतने का भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वाला ट्रिक आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए। तो देखिए इसके बाद जो मैं आपको थर्ड ट्रिक बता रहा हूं रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए, तो यहां पर क्या अप्लाई करना है, अगर आपका रैंडम प्लेयर सामने किसी बंदा से फाइट कर रहा है तो आप पीछे से घूम के जाइए, मतलब फ्लैंक कीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे देखिए ये बंदा सामने मेरे फ्रेंड को देख रहा था, मैं पीछे से जाके मार दिया, तो मतलब ये तरीका भी बहुत ज्यादा यूजफुल है रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए। अपने फ्रेंड के साथ नहीं कीजिएगा, जब आप रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहे हैं तो ये सब ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। अपने फ्रेंड के साथ खेलते हुए ये सब ट्रिक अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो फ्रेंड आपको गाली देगा, ठीक ना। तो आपको करना क्या है कि जब रैंडम प्लेयर फाइट कर रहा है तो आपको जो घूम करके पीछे से चले जाना है, और घूम के जाते समय आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारा बंदा जो है ना इनिमी सब छिपके रहता है, और जैसे आप घूम के जाइएगा उछल के मारेगा हेडशॉट या मतलब पूरा क्लोज आने देगा तब मारेगा। तो फ्लैंक करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा और इजिली मैच या राउंड को जीत सकते हैं, साथ ही साथ आपका किल भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ्लैंक कर सकते हैं जब आपका रैंडम प्लेयर फाइट कर रहा हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो फोर्थ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा जेन्युइन ट्रिक है, ये हमेशा आपको अप्लाई करना है जब भी आप CS रैंक गेम खेलते हैं। तो अगर आपको अपना रैंडम प्लेयर या बोलिए तो फ्रेंड के साथ खेलते हुए भी ये ट्रिक अप्लाई करना है, अगर आपके फ्रेंड के ऊपर कोई रश करता आपको दिख जाए तो उसको आपको कवर देना है। जैसे देखिए यहां मैं दूर से उसको जूम करके कवर देता हूं, हालांकि ये किल हमको मिलता नहीं। इसके बाद यहां देखिए एक और बंदा रश कर रहा है, तो मैंने देख लिया है, तो मैं यहां से हिलता नहीं हूं, पीछे से जोन आ रहा है फिर भी यहां से मैं नहीं हिलता हूं। यहां देखिए मैं इसको डाउन कर देता हूं, ठीक ना, जैसे ये निकलता है अभी देखिए निकलेगा और मैं इसको डाउन कर दूंगा, देख लीजिए आप। और यहां पर हमको किल भी मिल जाता है और मेरा फ्रेंड भी नहीं मरता है। अगर मैं इसको डाउन नहीं करता तो मेरा फ्रेंड मर जाता या रैंडम प्लेयर बोलिए तो मर जाता। उसके बाद लास्ट बंदा तो खिड़की में अटक गया, मैं इसलिए एक के जो है इसको भर के मार दिया, ठीक ना। तो मतलब आपको कवर देना है जब जरूरत पड़ेगा फ्रेंड को। तो इसके बाद जो नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, तो इससे पहले देख लीजिए, आप लोगों में से बहुत सारे प्लेयर का आदत होता होगा कि जब लास्ट में एक दो बंदा बचता है तो आप लोग अंधा रस करते हैं, मतलब सीधा भाग के जाते हैं, मतलब ग्लू ग्लू नहीं लगाते हैं, बहुत मतलब हल्के में ले लेते हैं गेम को। तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये सब मैच पलट जाता है। मैच जब पलटता है, जब एक बंदा आपके पूरे स्क्वाड को मार देता है, तो सामने वाले टीम को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, इससे आपके हारने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हैं तब तो और भी ज्यादा हारने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अंधा रस नहीं करना है जब मैच हल्का हो, मतलब कि एक बंदा सामने वाले के बचा हो या दो बंदा बचा हो, तो उस टाइम पे बहुत अंधा रस नहीं करना है। आप यहां देखिए मैं ग्लू बॉल लगा के यहां खड़ा हूं, बाहर से डैमेज दे रहा हूं, तो जब मैंने देखा सामने बंदा नहीं है, आगे जाके अभी भी मैं अंदर नहीं गया, बाहर से ही डैमेज देके एनिमी को मारा। तो मतलब इस तरह से आपको अंधा रस नहीं करना है, जब मैच हल्का हो तो वहां पर रस करके मैच हारने का चांसेस को पैदा नहीं करना। इसके बाद जो मैं आपको छठा ट्रिक बताने वाला हूं, इसको जानने के लिए देखिए आपको ये वीडियो क्लिप देखना होगा, पूरा वीडियो क्लिप देखना होगा। तो यहां देखिए क्या होता है, मैं पहला बंदा को मतलब ये वाला बंदा को मार करके डाउन करता हूं और फिनिश भी कर देता हूं। अभी 3v2 सिचुएशन है, तो आप देख लीजिए 3v2 सिचुएशन है, यहां पर मैंने बंदे को मार दिया है, दो बंदे को मार दिया है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए 2v3 सिचुएशन है, और यहां पर आप देखिए, मैं आपको पता है मैं ओथो लगा के यूज करके रखता हूं, तो इस बंदा को मैं मारता हूं, बहुत मारता हूं, एक दो गोली का बच जाता है। इसके बाद आप चार नंबर पे देखिए चीटन नाम का बंदा, अब देखिए यहां पर एक बंदा डाउन भी हो जाएगा, मतलब अब देखिए दो बंदा बचा रहेगा उनका, अपना उनका एक बंदा बचा, अपना दो बंदा बचा है, लेकिन चीटन नाम का बंदा देखिए अपना पोजीशन छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, वो मतलब घर के ऊपर ही मतलब बैठा हुआ है, जब हम दोनों डाउन हो गए तब वो पोजीशन छोड़ा, ठीक ना, अब आ रहा है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, जब भी देखिए फाइट हो रहा है, इनिमी से फाइट हो रहा है, तो उस टाइम पे आपके आप पे अगर नजर नहीं है तो आप जल्दी से रस कीजिए। आप देखिए ये राउंड जीता हुआ राउंड हार गए, तो ये चार नंबर के कारण हारे, तो आपको ये वाला गलती नहीं करना है, आपको पोजीशन छोड़ देना है। जब देखिए कि आपका जो रैंडम प्लेयर हो या आपका फ्रेंड फाइट कर रहा हो, तो वहां पर आपको जो है ना फाइट के पास आना है, ठीक ना, पास आकर के आप इजीली इनिमी को मार सकते हैं। और अगर आप दूर
रहिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएगा। पास आने के बाद आप रिवाइव भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, इस तरह से बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। इसलिए जब देखिए कि फाइट हो रहा है तो वहां पर आपको पहुंचने का ट्राई करना। इसके बाद आगे जो मैं आपको सेवंथ ट्रिक बताने वाला हूँ वो सी एस रैंक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा फॉलो करना है। तो ट्रिक जानने से पहले यहाँ देखिए वीडियो क्लिप देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या होता है ना, मेरा दो बंदा बचा हुआ है, वो बंदा भी मर जाता है और मैं अकेला बचता हूँ, ठीक ना। और मेरे सामने देखिए दो तीन बंदा है, ठीक, दो तीन बंदा है, मैं देखिए बहुत ज्यादा डैमेज दिया। यहाँ पर मैं ग्लू बॉल तोड़ता हूँ, यहाँ पर मेरा गलती क्या है कि मैं कवर से निकल गया, अगर मैं कवर के पास रहता तो मैं आराम से दो तीन बंदा जो था मार सकता था, ठीक ना। और इसी गलती को मैंने यहाँ करेक्ट किया है, यहाँ देखिए चार चार बंदा है सामने, मैं कवर नहीं छोड़ा, देखिए नॉक करने के बाद जल्दी से मैं कवर में चला गया। तो ये मतलब ये गलती आपको नहीं करना, ओथो यूज कर रहे हैं, इधर से बंदा आ रहा है, हमको पता चल गया, और इसको मैं बहुत डैमेज होता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं मरा, क्योंकि सामने वाला बंदा जो है ना बहुत ज्यादा एचपी वाला कैरेक्टर यूज कर रहा है। ये भी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैंने बहुत बहुत सालों पहले बता दिया, एक दो साल पहले ही बता दिया, ये बहुत ज्यादा अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था, बहुत ज्यादा एचपी वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था। लेकिन यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, तो आप लोग जब भी मल्टीपल इनमी से फाइट कीजिए तो कवर से चिपक के रहिए, कवर बिल्कुल नहीं छोड़िए। देखिए यहाँ पर मैं राउंड जीता दिया, दो बंदा को तो मैंने ही डाउन किया, तो यहाँ राउंड मैंने ही जीता है। इसके बाद जो मैं आपको आठवां ट्रिक बताने वाला हूँ, तो बहुत बार आपके पास क्या होता होगा जब आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलते होंगे या फ्रेंड के साथ खेलते होंगे, तो सामने से जो ना चार चार बंदा रश करता होगा, तो वहां पर आप कुछ कर नहीं पाते होंगे, एक बंदा को डाउन भी करते होंगे तो दूसरा बंदा आपको मार देता होगा। तो इस तरह का सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ग्रेनेड का यूज करना है, ठीक ना, आपको थोड़ा पीछे रहना है, और जब चार चार बंदा आपको लगे कि इस डायरेक्शन से आ रहा है, उस डायरेक्शन से आ रहा है, जिस डायरेक्शन से आ रहा है, उस तरफ आइस ग्रेनेड हो या ग्रेनेड हो थ्रो करना है, ठीक ना। और अपने रैंडम प्लेयर को भी बोल सकते हैं माइक खोल करके यहां पर ग्रेनेड फेंकना है, या अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं ग्रेनेड फेंकना है। तो ये वाला स्ट्रेटेजी से जब मतलब सामने सारा बंदा रहता है तो आप वहां पर मार करके जीत सकते हैं, मतलब सामने साथ में आ रहा है बंदा तो वहां जीत सकते हैं। और जो मैंने यहां पर जो भी आपको गेम प्ले दिखाया सारा चीज जो है ना मैंने ग्रैंड मास्टर लॉबी में मतलब कलेक्ट किया है, सामने भी ग्रैंड मास्टर के बंदे हैं, वो भी रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए, तो यहाँ प्रूफ के तौर पे देख ही सकते हैं, जितना बार जितना क्लिप मैंने दिखाया सारा ग्रैंड मास्टर लॉबी का। और मेरे सामने जितने भी बंदे आ रहे हैं सारा हार्ड बंदे आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं कैरेक्टर कौन सा यूज कर रहा हूँ, जस्टिन बीबर ऑथो यूज कर रहा हूँ, और किस तरह खेल रहा हूँ सारा चीज आप देख। यहाँ पर मैं गेम जीतने के लिए कौन सा ट्रिक का यूज कर रहा हूँ मैंने आपको बताया भी और दिखाया भी, आप लोग भी इस ट्रिक को जो है फॉलो कीजिए। आपको क्या करना है, बस ये वीडियो देखना है और ध्यान में रखना है टीआरडी भाई ने कौन कौन सी बकवास बातें बताया है, बस मेरी बताई हुई बातों को ध्यान में रख के गेम में अप्लाई करना है, बस आपका जो ना ज्यादातर मैच बुइए हो जाएगा रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हुए, ऑटोमेटिक बुइए हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो से कुछ बेनिफिट अगर बुझाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इससे भी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आपको देखने के लिए इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।